मेरा नाम दीपमाला। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। तो उसके भाजी के लिए क्या करना है, आपको आलू, मटर, बीन्स, गाजर और गोभी, इन दोनों इन सब चीज़ों को आपको कुकर में डाल के बॉयल कर लेना है। आपको इन सबको डाल देना कुकर में। पाव भाजी इसमें जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल। थोड़ा सा पानी, एक गिलास तक पानी डाल के इसको चार सीटी लेना है। ये देख लीजिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। आपको जो डालना हो आप डालिएगा। थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए और इसमें जीरा एक चम्मच, अदरक पिसा हुआ है और हरी मिर्च, जितना भी आपको कड़वा पसंद है उस हिसाब से आप डालिए। जब हरी मिर्च हो जाए क्या अदरक इसमें आप डाल दीजिएगा, प्याज हल्का सा और हो जाए अदरक, तब तक प्याज को ऐड कर देना। प्याज को होने दीजिए, तो प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है इसको। प्याज हो गया है, थोड़ी सी हल्दी, इधर मेरे आलू हो रहे हैं। सब्जियां सारी जो मैंने कुकर में डाली थी, सीटी आने वाली है। टमाटर को ऐड कर देना है, साथ में नमक, जिसमें टमाटर जल्दी गल जाए। नमक अपने स्वाद अनुसार, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, जितना कड़वा आपको खाना हो उस हिसाब से डालिएगा। टमाटर को अच्छी तरह से गला लेना है, पूरी तरह से गल जाएगी। और इसमें शिमला, इन सबको डाल के पका लेना है। ये देखिए टमाटर गल गया है, तेल छोड़ने लगा है इसमें। धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला, इसको भी ऐड करना है। पहले इसमें हम डालेंगे ये सब्जियाँ। देखिए सब्जियाँ मेरी पूरी गल गई कि नहीं, ये देखिए सब्जियाँ सारी गल गई हैं। अब इसको हमें इसी मसाले में डाल देना है। मैंने सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं और इनको अच्छे से मैश कर लेना है। जो पानी था कुकर में मैंने फेंका नहीं है, उसको भी इसमें ऐड करना है। अभी तब तक कि मैं सारी सब्जियों को फोड़ ले रही हूँ। आपके पास फोड़ने वाला उससे फोड़ लीजिए, या कटोरी से या चिमचे से, जैसे भी हो उस हिसाब से आपको सारी सब्जियों को फोड़ लेना है। ये देखिए सारी सब्जियाँ फोड़ दी है, सारी मिक्स हो गई हैं। आप इससे ज़्यादा मिक्स कर पाएँ तो कर लीजिए। अब इसमें जो पानी बचा हुआ था वो पानी इनको ऐड कर देना है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी पाव भाजी मसाला, जो बहुत ज़रूरी है, उसी से टेस्ट आएगा। दो चम्मच मिक्स कर लीजिए। अगर सब्जियों में पानी कम पड़ गया है उबालने में तो आप पानी खौला के डालिएगा, कच्चा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। कच्चा पानी डालने से स्वाद हट जाता है थोड़ा सा। अब कोई भी सब्जी बनाए उसमें पकाकर ही पानी डालें। इस पानी को मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, देखते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है हमें।
थोड़ा थिक रहेगा। और इसमें अगर जो कलर नहीं आया है बाजार वाला, तो इसमें आप वो लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च, उसको डाल दीजिएगा, उससे कलर आ जाएगा बाजार वाला, रेड कलर आता है उससे। थोड़ा सा पानी और डाल दें, इसमें मिक्स हो जाए अच्छा सा, बचा हुआ पानी है इसी का। ये देखिए, इसको खोला देते थोड़ा सा पक जाए, बस इसमें हमको नमक डाल देना है, थोड़ा सा बटर डाल दे रहे हैं। नमक आप देख लीजिएगा मैंने डाला है, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा कम ज़्यादा जैसा हो। वैसे इसमें हरी धनिया डाल देना है और मेरी भाजी तैयार। ये बंद है, गोल वाला जो होता है मैंने उसको बीच से कट कर लिया है। पाव हो, पाव को भी आप बीच से कट करके ही सेकिएगा। बटर डाल दीजिए। बाजार सा फ्लेवर कैसे आता है उसके लिए आपको इसी में थोड़ा सा, पहले तो मैं एक ऐसे ही नॉर्मल बता रही हूँ, इस तरह से सेक लीजिए। दोनों तरफ से जो बाजार में कलर देखते हैं आप, वो किस तरह से कलर आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बटर के साथ थोड़ा सा ये पाव भाजी डाल देते हैं और उसी के साथ सेक लेते हैं इस तरह से। तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप जैसे चाहे प्लेन चाहे सेकना तो प्लेन सेक लीजिए, और वैसे सेकना चाहे तो मसालेदार तो इस तरह से सेक लीजिए। मेरा बन भी रेडी हो गया है पाव, अब मैं प्लेटिंग करने जा रही हूँ। ये देखिए मेरा पाव भाजी रेडी हो गया है, आपको इसी तरह से गाढ़ा रखना है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिसमें मैं जो भी रेसिपी बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। ओके बाय, थैंक यू।